मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। टुडे वी विल अबाउट चैप्टर 8 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले हम यहां पर एक टेबल को डिस्कस करेंगे। उस टेबल पर आपकी पूरी एक्सरसाइज है। जैसे आपके यहां पे आप थीटा 0 30 45 60 90, यहाँ आपका ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू है। यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारी टेबल बुक में है। अब बहुत से बच्चे इसको याद करते हैं, याद नहीं होगी हमें क्या है। हमने आपको चार फॉर्मूले लिखा है, वो यहाँ पे यूज करने हैं। जैसे टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos थीटा, और cosec थीटा होता है आपका 1 अपॉन sin थीटा, क्लियर। ये आपके चार फॉर्मूले हैं और यहां से आपकी पूरी टेबल क्लियर होगी। देखिए यहां पे हम sin 0 की वैल्यू है, तो सबसे पहले हमें sin की वैल्यू याद रखनी है। sin 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू 3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। सबसे पहले बस हमें एक टेबल याद रखनी है, हमें केवल साइन थीटा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमें साइन थीटा साइन की वैल्यू याद रखनी है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इसकी हमें इनके अकॉर्डिंग निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे हमने साइन की जो वैल्यू आपने याद की है उसको आप रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, उसके बाद आप कॉस को रखेंगे। तो देखिए कॉस का क्या होता है, इसको याद रखने की वाली बात है कि कॉस हमेशा इस साइन वाले का उल्टा होता है। जो 90 की है वो आपकी क्या होगी 1, क्लियर। आप इसको इस प्रकार से अरेंज कर सकते हो 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और 0, क्लियर। तो ये आपकी साइन और कॉस की होने के बाद अब क्या है, जैसे मुझे चाहिए टेन थीटा और टेन थीटा मीन्स टेन जीरो, टेन जीरो की वैल्यू चाहिए। तो टेन जीरो की वैल्यू मैं क्या रखूँगा, साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, क्लियर। और साइन जीरो की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 0, क्लियर। इस प्रकार से हमें टेन की वैल्यू और निकाल के देखिए, जैसे टेन 30 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो टेन 30 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, साइन 30 अपॉन कॉस 30, क्लियर। साइन 30 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए पहले ही 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू क्या है आपकी, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3, क्लियर। इस प्रकार से अगर कॉट का रखना चाहे, जैसे कॉट 45 की मुझे वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखेंगे, कॉस 45 अपॉन साइन 45। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो क्या हो जाएगी, cot की इस प्रकार से निकालेंगे। इसी प्रकार से अगर हमें sec की वैल्यू चाहिए, जैसे sec 60 चाहिए हमें, तो sec 60 क्या हो जाएगा 1/cos 60, क्लियर। और 1/cos 60 की वैल्यू आपको पहले ही मालूम है, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो क्या हो जाएगी आपकी 2। इसी प्रकार से आप कोसेक की लिखना चाहें, तो कोसेक की कोई भी वैल्यू आप देखिए यहाँ पे, जैसे मैं निकालना चाहता हूँ कोसेक 45, तो कोसेक 45 और वैल्यू निकाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक एक दो दो वैल्यू आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। जैसे कॉस 45 की डिग्री, कॉस 45 की हमें वैल्यू चाहिए, तो क्या वो लिखेंगे 1/sin 45, 1/sin 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो √2 आपकी वैल्यू। इस प्रकार से आप इस टेबल को देखेंगे, इस टेबल को आप इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। बट आपको ये याद इस प्रकार से ही रखना है कि भाई हमें रटना नहीं है ये। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको रटने की कोशिश करते हैं तो हमारी वैल्यूज गलत हो जाती हैं। तो हमें इन फॉर्मूले से आपको इन वैल्यू को निकालना सीखें, ना कि इसको रटना। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा एवेल्यूट द फॉलोविंग। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट है, देखिए साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, आपको देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप जानते हैं अभी आपने टेबल पढ़ी, और टेबल आपकी टेबल की वैल्यू आपके सामने होनी चाहिए।
और आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। साइंस 60 और साइंस 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2। क्लियर। cos 30 की भी वैल्यू आपकी क्या होती है √3/2। प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। बस वैल्यू रखनी है आपको। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई हो रहा है तो √3 × √3 क्या हो गया 3/4, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, प्लस ऊपर 1/4, तो क्या हो गया 3/4 प्लस 1/4 को ऐड कर दीजिए 4/4, तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1। क्लियर। इस प्रकार से आपका सवाल। अब देखिए यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट, मैं यहाँ पे और एक पार्ट और समझा रहा हूँ इसका। जैसे cos 45 है तो cos 45 की वैल्यू आप जानते हो 1/√2। sec 30 होता है आपका 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू है 2। ये सभी आपको वैल्यू जब आप याद करेंगे साइन कॉस की तो सारी वैल्यू निकाल के रख सकते हो। अब देखिए इतना आ गया, अब इसको सॉल्व करना है 1/√2। अब देखिए एलसीएम लीजिए, क्या हो गया 2/ एलसीएम ले लीजिए 2√3। तो देखिए आपने बहुत सारे सवाल छोटी क्लासों में किए हैं कि इतने में डिवाइड हो रहा है इसका, तो क्या लिख सकते हैं 1/√2 √3/2+√3 मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन चेंज। क्लियर। अब क्या हो गया √3 √2 2+√3। क्लियर। √3 √2 का मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा 2√2 + 2√6। यहाँ अब आपका इतना है। अब इसको आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ मैं ले रहा हूँ √3/√2 + 2√6। अब इसका रैशनलाइजिंग कर दें तो क्या हो जाएगा 2√2 − 2√6/√2 − 2√6। क्लियर। अब क्या है मल्टीप्लाई ऊपर, तो ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√6 − 2√18/ ये आपका 2√2 − 2√6। आप जानते हैं देखिए √2 का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी रूट वाली वैल्यू में तो √2 का जैसे मल्टीप्लाई √3 में तो क्या हो जाएगा √6। यहाँ पे दोनों में आपका रूट है तो यहाँ पे आपका अंदर ही मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए जैसे 2 का मल्टीप्लाई √3 में कर रहे हैं तो आप किस प्रकार से करेंगे 2√3। क्लियर। इस प्रकार से। और अगर सेम है जैसे √3 का मल्टीप्लाई √3 में है तो रूट हट जाता है अर्थात क्या हो जाएगा 3। ये ध्यान रखना रूट वाला मल्टीप्लाई करना। अब देखिए 2√6 आपका ऊपर −2√18, ये आपका नीचे क्या हो गया 2√2 का क्या हो गया 2 − 6 और ये क्या हो गया 4, यानी 4 और 2 तो इसका हो गया, यही सीधा कर देता हूँ मल्टीप्लाई 2√2 2 का 4 हो गया √2 का 2 तो क्या हो जाएगा 1 बार में 8, 2 का 4 और √6 का 6 तो क्या हो जाएगा 24। क्लियर। अब देखिए हम क्या है इसको 2√6 − √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2, तो 3 का मल्टीप्लाई बाहर हो जाएगा 6√2। क्लियर। अब यहाँ आपका 8 − 24 है तो माइनस के कितना आया 16। क्लियर। अब देखिए आप 2 ऊपर से कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा √6 − 3√2 / क्या है आपका −√16। कैंसिल कर दीजिए कितनी बार हो गया 8 बार, तो आपका √6 − 3√2 / −8 और अगर आप माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी लास्ट में 3√2 + 3√2 − √6/8। ये आपका आंसर, ये आपकी वैल्यू। क्लियर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड में कह रहा चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ पे आपके कई पार्ट हैं, यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ 2 tan 30 1 + tan²30 जस्टिफाई करना है आपका आंसर। क्लियर हो जाएगा 2 tan 30, तो 2 tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है 1/√3 1 + tan 30 की वैल्यू रखेंगे
बट यहाँ पे क्या हो रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे, क्लियर। तो टू अपॉन रूट थ्री, वन प्लस वन अपॉन थ्री हो गया, तो यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो गया टू अपॉन रूट थ्री, और यह आप प्लस करिए थ्री प्लस वन अपॉन थ्री, क्लियर। तो क्या हो गया टू अपॉन रूट थ्री, टू अपॉन रूट थ्री अपॉन फोर बाई थ्री। अब देखिए टू अपॉन रूट थ्री में आपका डिवाइड हो रहा है फोर बाई थ्री का, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई करके, तो रूट थ्री से रूट थ्री बार आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, और टू से टू, अब आपकी वैल्यू आ गई रूट थ्री बाई टू। अब आपके वहाँ पे आंसर लेना है, उस आंसर में ऑप्शन दे रखा है भाई ये साइन सिक्सटी की वैल्यू है या साइन फोर्टी फाइव की या साइन थर्टी की या कोस की, किसी की होगी तो आप जान सकते हैं कि रूट थ्री बाई टू किसकी वैल्यू होती है, साइन सिक्सटी की। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, क्लियर। इस प्रकार से आपको सवाल करना है सेकंड वाला। देखिए अब यहाँ पे मैं थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, इफ टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री एंड टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री, और जीरो और नाइन्टी के बिटवीन आपकी ए और बी की वैल्यू है ए प्लस बी की, और ए इज ग्रेटर देन बी, फाइंड ए एंड बी, ए फाइंड करना है ए और बी, क्लियर। इस प्रकार का सवाल हमारा देखिए यहाँ पे टेन के लिए है, आपका साइन के लिए भी हो सकता है, कॉस के लिए भी हो सकता है, कोसेक के लिए हो सकता है, यानी ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए आपसे सवाल पूछा जा सकता है रकम चेंज करके। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री, बहुत ही आसान सवाल है, क्लियर। आपका सॉल्यूशन इस प्रकार से करेंगे, टेन ए प्लस बी इज टू रूट थ्री आपको गिवन है, तो देखिए टेन हमें दे रखा है इधर, इधर हम देखेंगे किसकी वैल्यू है, टेन है, तो ये भी हमारी वैल्यू किस में होनी चाहिए, टेन में होनी चाहिए, और आप जानते हैं रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, टेन सिक्सटी की, किसकी, टेन सिक्सटी की। तो आपका ए प्लस बी इज टू बी गेट क्या है, ए प्लस बी इज टू सिक्सटी, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपका सेकेंड आपको गिवन है ए टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, वन अपॉन रूट थ्री, सेम इसी प्रकार से टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, ये किसकी वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री, या आपकी टेन थर्टी की वैल्यू है, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया थर्टी, इक्वेशन सेकंड। अब क्या है दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, अब आप सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशनों को, तो दोनों इक्वेशनों को यहाँ लिखें क्या है, a माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्सटी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू थर्टी। आपने थर्ड वाले चैप्टर के सवाल किए हैं, दो इक्वेशन आपको गिवन है तो उनको सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे एडिंग, तो टू a इज इक्वल टू क्या हो गया नाइन्टी, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नाइन्टी बाई टू, a की वैल्यू आपकी क्या आ गई फोर्टी फाइव, क्लियर। जानते हैं पढ़ाए थर्ड चैप्टर, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया एडिंग, फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करने पर यह आपका पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो ए और ए टू ए सिक्सटी प्लस थर्टी नाइन्टी, क्लियर। अब पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में रख दीजिए, फर्स्ट में रखेंगे तो क्या है फोर्टी फाइव प्लस बी इज इक्वल टू सिक्सटी, बी की वैल्यू फाइंड करनी है सिक्सटी माइनस ए फोर्टी फाइव, बी इज इक्वल टू फिफ्टी। इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड, अब आपका इसी प्रकार से एक्सरसाइज यहाँ पे मैंने सारे पार्ट फर्स्ट के नहीं किए हैं, सेकंड के नहीं किए हैं, आपको करना है, थर्ड ये हो गया, फोर्थ आपका ओरल ही क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे उसका जवाब मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे एट पॉइंट टू सॉल्व करनी है, थैंक्स।